गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ प्रैक्टिस ऑन मोड विच इज़ ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेस सो आपके सामने जो क्वेश्चन है क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको मैं क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूँ वॉट इज क्वेश्चन क्वेश्चन आपके सामने ये है क्वेश्चन ये है आपके सामने कि फाइंड आउट मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज सेवन फोर टेन नाइन फिफ्टीन टवन नाइन सेवन वेट ऑफ फिफ्टी स्टूडेंट्स इज गिवन बिलो कैलकुलेट मोड ये हमारे सामने क्वेश्चन है कि वेट दिया हुआ बच्चों का फोर्टी एट फोर्टी नाइन फिफ्टी फिफ्टी वन फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही बेटा आपको yes, दिखाई दे रही है बेटा हाँ वेरी गुड चलो ठीक है तो ये फोर्टी एट फोर्टी नाइन ये वेट दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं फोर टेन ट्वेंटी अलेवेन थ्री टू हम जानते हैं कि दो तरीके हैं मोड निकालने के पहला तो एक इंस्पेक्शन मेथड है और दूसरा क्या है ये है ग्रुपिंग मेथड तो इंस्पेक्शन मेथड में हमने देखा कि इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ट्वेंटी है और ट्वेंटी के सामने वैल्यू है वेट दैट इज़ फिफ्टी तो इस क्वेश्चन में हमारा मोड क्या हो गया फिफ्टी करेक्ट ना अब हम क्या करते हैं इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ग्रुपिंग मेथड से करें तो हमारे सामने जो क्वेश्चन था आपने देखा हम उसको आते हैं जैम बोर्ड के माध्यम से ग्रुपिंग मेथड में सेम करेंगे किस मेथड से करेंगे ग्रुपिंग मेथड से ओके तो सबसे पहले हमारा असेंडिंग ऑर्डर में होगा ये और यहाँ पर हम क्वेश्चन में क्या करते हैं ये वेट यहाँ क्या लिख दिया अपन नोटबुक में करते जाएंगे आप साथ साथ वेट के लिए ऐसे कॉलम खींचिए क्योंकि हमारे पास स्पेस बड़ा कम होता है मोबाइल में तो इसलिए हम पूरा हम नहीं कर पाएंगे इसलिए आपको मैं बाकी आप ही करना है एक थोड़ा सा मेथड बता दे रहा हूँ हम आंसर का इंतजार भी नहीं करेंगे वेट लिख दिया हमने और वेट में लिख दिया फोर्टी एट ठीक है आप भी करते जाएंगे फोर्टी नाइन ठीक है नेक्स्ट फिफ्टी केवल कहानी की तरह देखोगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा करने से समझ में आता है फिफ्टी वन और ये लास्ट में फिफ्टी चलो फॉर्चुनेटली किसी तरह एडजस्ट हो गया मेरा ओके अर्गेटिव पॉइंट इसके बाद हमारा है कॉलम नंबर ये वन कॉलम नंबर टू ठीक है अब ये कॉलम नंबर तीन हम कहाँ लिखेंगे चलो कॉलम नंबर हम थ्री ऐसे कर दिया नहीं हो पा रहा कॉलम नंबर थ्री हो गया ये ठीक है कॉलम नंबर फोर ठीक है कॉलम नंबर फाइव और कॉलम नंबर सिक्स ठीक है ऐसे हम कॉलम बना लिए मेरी बात समझ में आ रही बेटा समझ में आ रही बेटा अब कॉलम नंबर वन में वो फ्रिक्वेंसी हम लेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो दैट इज फोर दैट इज टेन वैल्यूज के सामने हम लेते गए कॉलम नंबर वन वन में तो वही होगा ट्वेंटी एलेवन थ्री और टू करेक्ट ना ये हमारा कॉलम हो गया कॉलम नंबर टू में हम क्या करेंगे हम शुरू के दो लेते हैं जैसा कि मैंने पहले ही बताया हुआ है क्या करते हैं शुरू के दो लेते हैं तो ये देखो दो ये दोनों हमने ले लिया ठीक है फिर ये दो ले लिया ठीक है और फिर ये दो ले लिया ठीक है आर्गेटिव माइंड तो यहाँ क्या होगा गया फोर प्लस टेन फोर्टीन हो जाएगा क्या होगा हम यहाँ फोर प्लस टेन लिख नहीं रहे हैं क्योंकि स्पेस कम मेरे पास हमने डायरेक्ट फोर्टीन लिख दिया करेक्ट ना हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया थर्टी वन लिख दिया मेरे पास समझ में आ रही बेटा और डायरेक्ट हमने फाइव लिख दिया किसी कोई दिक्कत बोलो भाई अब कॉलम नंबर थ्री में हम क्या करते हैं कॉलम नंबर थ्री में हम क्या करेंगे बताइए एक छोड़ देंगे ऊपर से एक छोड़ देंगे तो हमने फोर को छोड़ दिया ठीक है और हमने क्या लिया एक छोड़ के दो लेते हैं टेन प्लस ट्वेंटी कितना हो गया थर्टी आर्गेटिव पॉइंट आर्गेटिव पॉइंट बोलो भाई yes, एलेवन प्लस थ्री फोर्टीन देखो ध्यान से देखना मैंने अलग अलग कलर लिया इसीलिए ताकि कंफ्यूजन नहीं हो ठीक है और नीचे जो टू छूट गया तो छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है फोर्थ कॉलम में हम क्या करेंगे हम ऊपर से तीन लेंगे फोर्थ कॉलम में जहां से देखना फोर्थ कॉलम में ऊपर से तीन लिया फोर टेन और ट्वेंटी एलेवेन थ्री और टू ठीक है फोर टेन और ट्वेंटी कितना हुआ थर्टी फोर ठीक है अलेवेन थ्री और टू कितना हुआ सिक्सटीन आर्गेटिव पॉइंट मेरी बात समझ में आई मेरी बात समझ में आई इसके बाद फिफ्थ कॉलम में क्या करेंगे हम एक ऊपर से छोड़ देंगे और तीन लेंगे हमने किसको छोड़ा फोर को छोड़ दिया इसका कलर हम चेंज कर देंगे ठीक है फोर सॉरी फोर को छोड़ दिया हमने एक को छोड़ दिया ऊपर से टॉप को फोर को छोड़ दिया लिव टेन ट्वेंटी और एलेवन कितना हुआ थर्टी प्लस फोर्टी फोर्टी वन करेक्ट ना फोर्टी वन हो गया बेटा अब हम लास्ट कॉलम में क्या करेंगे कॉलम नंबर सिक्स में ऊपर से हम क्या करेंगे दो छोड़ देंगे कितना छोड़ेंगे दो छोड़ देंगे ठीक है हमने किसको छोड़ा फोर एंड टेन को छोड़ दिया कितना नीचे आया ट्वेंटी अलेवन और थ्री ठीक है ट्वेंटी अलेवेन और थ्री तो ट्वेंटी अलेवन और थ्री मिलके कितने हो गए थर्टी थर्टी वन और थर्टी फोर थर्टी फोर हो गए करेक्ट ना बोलिए करेक्ट है ठीक yes, है ये हमारा हो गया ग्रुपिंग गट ये हमारा टेबल हो गया इसके बाद जो है ना इसको इसको किसी को समझने में कोई दिक्कत रिंकी ये दो तो बच्चे कल आए थे शायद रिंकी कल आई थी वीडियो देख लोगे तो बेटा बिल्कुल आसानी समझ में आएगा क्वेश्चन में था हमने ग्रुपिंग uh, मेथड को फॉलो uh, किया है ग्रुपिंग मेथड कैसे करते हैं कैसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा एक डिस्क्रीट uh, सीरीज का क्वेश्चन है और इसमें हमने क्वेश्चन में लिख दिया हुआ था पेज नंबर टू सिक्सटी फाइव वी के ओ वाली बुक से तो वहाँ पर वेट दिया हुआ है फोर्टी एट फोर्टी नाइन फिफ्टी फिफ्टी वन फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री और फ्रिकवेंसी दी हुई है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के रूप में वो हमने लिख दिया हमको इसमें टोटल छः कॉलम बनाने होते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स वाला कॉलम वही होता है जो फ्रिक्वेंसी क्वेश्चन में दी होती है फोर टेन ट्वेंटी अलेवन थ्री टू दूसरे कॉलम में हमने बताया कि टॉप से दो लेते हैं तीसरे कॉलम में टॉप से एक छोड़ते हैं इसके बाद दो दो का ग्रुपिंग करते हैं चौथे कॉलम में तीन की ग्रुपिंग करते हैं टॉप से ऊपर से पाँचवें कॉलम में एक छोड़ते हैं और तीन की ग्रुपिंग करते हैं ठीक है तीन तीन की और लास्ट कॉलम में छठे कॉलम में ऊपर से दो छोड़ते हैं और तीन की ग्रुपिंग करते हैं तो इस तरीके से हमारे पास ये टोटल कैलकुलेशन हो गए आर्गेटिव माइंड अब हमको क्या करना है जब हम एनालिसिस करेंगे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस में हम क्या करते हैं हम जो ग्रुपिंग हमने किया हर कॉलम में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सिक्स हर कॉलम में जो हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी उसको हम हाईलाइट करेंगे उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे और मेरी बात सुन आ रही है और उसके सामने जो वेट वाला है जो साइज है जो वैल्यू है ठीक है उसको हम हाईलाइट करने का प्रयास करेंगे देखो पॉइंट। अब वो देखो कैसे होता है अब हमारा कंस्ट्रक्शन होगा टेबल हम दूसरा टेबल बनाने जा रहे हैं पहली बात आप लिख दो सी फॉर कॉलम लिख लिया बोलो भाई सी फॉर कॉलम ठीक है थोड़ा सा नीचे से करते हैं ताकि हमारा ऊपर दिक्कत पिछली बार दिक्कत हुई थी इसके बाद हमारा वेट है ना तो ये वेट हो गया ये हमारा डब्ल्यू टी वेट कर दिया वेट में हमारा क्या क्या है वेट है बताओ बेटा हमारा वेट क्या है फोर्टी एट फोर्टी नाइन फिफ्टी इसके बाद क्या है फिफ्टी वन फिफ्टी फिफ्टी के बाद फिफ्टी वन था ना फिफ्टी वन ठीक है फिफ्टी वन के बाद फिफ्टी टू और लास्ट में फिफ्टी थ्री यही है ना बेटा इसके बाद हमारा कॉलम वन टू अब यहाँ थोड़ी दिक्कत होगी स्पेस की कमी से थ्री फोर फाइव और ये सिक्स ठीक है इस तरह कॉलम बन गए अब देखो कॉलम नंबर वन कॉलम नंबर वन में देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है तो आपको दिखाई देता है कि फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट किसकी है ट्वेंटी की है और ट्वेंटी के सामने क्या है बोलो वैल्यू क्या है वेट फिफ्टी है तो पहले कॉलम में हमने क्या किया ठीक है पहले कॉलम में हमने क्या किया फिफ्टी हाइएस्ट है तो हमने ये ऐसे टिक मार्क कर दिया मेरी बात समझ में आई समझ में आ रही बात ऐसे करके करते आते हैं बेटा और नीचे जो है सिक्स कॉलम के नीचे हमें टोटल करते हैं मेरे पास स्पेस नहीं है ठीक है यहां पर आप क्या करोगे टी फॉर टोटल ओके ठीक है मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए दिक्कत है मेरे पास आप समझ लेना इसके नीचे क्या है सिक्स के नीचे हमने टोटल लिखा हुआ है और उसके लिए स्पेस हमने क्रिएट कर लिया है अब देखो सेकेंड कॉलम में देखो सेकेंड कॉलम में हाइस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है थर्टी वन थर्टी वन किस से बना ट्वेंटी और अलेवन से बना ट्वेंटी के सामने फिफ्टी और अलेवन के सामने फिफ्टी वन है जहाँ से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ सेकेंड कॉलम में हाइस्ट फ्रिक्वेंसी थर्टी वन है थर्टी वन किन से बना ट्वेंटी और अलेवन से बना ट्वेंटी के सामने क्या है फिफ्टी और अलेवन के सामने फिफ्टी वन है तो 50 और 51 को हम सेकंड कॉलम में टिक कर लेंगे 50 और 51 को समझ में आ रही मेरी बात अब आते हैं थर्ड कॉलम में थर्ड कॉलम में देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 30 30 किससे बना 10 और 20 से 10 के सामने 49 है 20 के सामने 50 है यहां देखो 49 50 थर्ड कॉलम थर्ड कॉलम कौन-कौन था थर्ड कॉलम में फोर्टी नाइन और फिफ्टी ओके तो फोर्टी नाइन फिफ्टी फोर्टी नाइन और फिफ्टी करेक्ट ना अब आते हैं फोर्थ कॉलम में फोर्थ कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थर्टी फोर है थर्टी फोर किन से बना है फोर टेन ट्वेंटी से बना है फोर् टेन ट्वेंटी के सामने फोर्टी एट फोर्टी नाइन फिफ्टी तो हम आते हैं फोर्टी एट फोर्टी नाइन फिफ्टी में फोर्थ कॉलम फोर्टी एट फोर्टी नाइन और फिफ्टी मेरी बात समझ में आ रही है बेटा बोलिए समझ में आ रही है हाँ फिफ्थ कॉलम में देखो आपको पूरा मैंने पढ़ाई दिया टेन ट्वेंटी और अलेवन से मिलकर बना है फोर्टी वन ठीक है टेन ट्वेंटी और अलेवन से मिलकर बना है फोर्टी वन ठीक है तो टेन के सामने फोर्टी नाइन ट्वेंटी के सामने फिफ्टी और अलेवन के सामने फिफ्टी वन तो फोर्टी नाइन फिफ्टी फिफ्टी वन कॉलम नंबर फाइव फोर्टी नाइन फिफ्टी और फिफ्टी वन क्लियर अब आते हैं लास्ट कॉलम थर्टी फोर थर्टी फोर बना है किससे मिलकर थर्टी फोर किससे मिलकर ऊपर से दो छोड़ना है ट्वेंटी अलेवन और थ्री से मिला है ट्वेंटी अलेवन और थ्री के सामने है फिफ्टी फिफ्टी वन फिफ्टी टू तो फिफ्टी फिफ्टी वन फिफ्टी टू लास्ट कॉलम लास्ट कॉलम गड़बड़ हो गया क्या कुछ नहीं ठीक है लास्ट कॉलम फिफ्टी वन फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री ये था ना एक बार फिर देख लेते हैं थर्टी फोर के सामने है ट्वेंटी अलेवन और थ्री ट्वेंटी फिफ्टी फिफ्टी वन फिफ्टी टू फिफ्टी फिफ्टी वन फिफ्टी टू तो ये हो गया फिफ्टी फिफ्टी वन और फिफ्टी टू अब ये देखो अनाज सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है तो मैं इसको कलर थोड़ा चेंज कर दूँ ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो देखो किस सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किया है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सबकी फ्रीक्वेंसी को लिखना है और जिसमें बाकी को भी लिखना है आपको लेकिन सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को मैंने लिख दिया हाईलाइट करने के लिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए ठीक है तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी छः है इसके नीचे उसके बगल में एक में तीन है और एक में वन है और फिफ्टी वन के नीचे थ्री आ जाएगा मैं उसको अलग अलग कलर से लिख देता हूँ वो हमारे लिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं है वन लेकिन लिखना तो पड़ेगा ही थ्री ये थ्री और ये वन तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हमारी किसकी निकली वो है हमारी सिक्स की फ्रिक्वेंसी है आर्गे बाइंड और यही फ्रिक्वेंसी जो है किसके सामने है फिफ्टी के सामने है तो फिफ्टी हमारा क्या हो गया ये हमारा मोड हो गया क्या हो गया जेड इज इक्वल टू फिफ्टी समझ में आई बात बोलो भाई समझ में आई मेरी बात yes, चलो वेरी गुड सुपर तो इस तरीके से हमने डिस्क्रीट सीरीज में एक प्रैक्टिकल करके भी देख लिया और हमने ये भी देख लिया कि क्वेश्चन में जो था आंसर जो दिया हुआ था उस आंसर से हमारा आंसर मैच हो गया करेक्ट ना देखो जो इंस्पेक्शन मेथड में आया जेड इज टू फिफ्टी वही आंसर हमारा आ गया किसमें इसमें जो फ्रीक्वेंसी देखो फिफ्टी जेड इजकल टू फिफ्टी करेक्ट ना बोलो बेटा चलो ठीक है तो इस तरीके से